Hi all you lovely people out there, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So I am here with a haul video, a long awaited Nykaa haul video. Yes, so this is going to be my first ever Nykaa haul. Haan, main bahut time se soch rahi thi ki main Nykaa haul karun aur maine bahut sara saman matlab jo bhi hot friday sale and pink hot pink sale and friday sale kuch aisa hi tha shayad hot friday hot pink sale उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारा कुछ ऑर्डर किया था प्रोडक्ट स्किन केयर कॉस्मेटिक्स एंड तो और भी काफ़ी सारा कुछ रैंडम स्टफ जो मेरे को ज़रूरत थी जिन चीज़ों की, बिकॉज हम सभी लॉकडाउन में हैं और मैंने काफ़ी महीनों से कोई शॉपिंग नहीं की थी, तो सो आई वाज लाइक कि इतना तो बनता है. एंड सो मुझे अपने बर्थडे के लिए कुछ सामान चाहिए था, सो आई वाज लाइक कि आई वांटेड टू यू नो बी ऑल सेट एंड रेडी फॉर माई बर्थडे. हालांकि कहीं जाना नहीं था बर्थडे पे, बट अगेन स्टिल जस्ट टू पैम्पर माई सेल्फ मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी. तो मैं हाँ आई एम पोस्टिंग इट लेट, सो विदाउट मच ऑफ फर्दर अडो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, तो आप देख सकते हो बस ये दो बड़े बॉक्सेस, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कुछ स्टफ था. ये मैंने कोई एक बार में ऑर्डर नहीं किया है, लाइक आई हैव कलेक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो मैंने सोचा कि अभी मैं एक साथ सब कुछ दिखा देती हूँ. फिलहाल जितना पॉसिबल होगा, मे बी आई विल मेक अ पार्ट टू वीडियो फॉर द नायका हॉल. तो अभी जितना पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहती. सो स्टार्ट शोइंग व्हाट ऑल हैव आई गॉट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो इज टारा. सो आई हैव गॉट दिस रेवोल्यूशन नाइट टू नाइट सिबाइल शैडो पैलेट. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट. Been eyeing on this palette from quite some time now. आप देख सकते हो कितना सेक्सी एंड हॉट है ये पैलेट, काफी कलरफुल है. मैंने अभी तक इसका ये फिल्म भी नहीं निकाला है, प्लास्टिक फिल्म. एंड इट कम्स विद अ बड़ा सा मिरर एंड लाइक काफी हॉट कलर्स हैं इसमें. एंड लेट मी स्वॉच सम ऑफ देम जितने मुझसे हो रहे हैं, जस्ट टू शो हाउ पिगमेंटेड दीज कलर्स आर. ओह माय गुडनेस, बटरी स्मूथ है ये बिल्कुल. आई एम नॉट श्योर ये दिख रहा है यानी प्रॉपरली, बट बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है एंड बहुत ही सुपर पिगमेंटेड है. सो मेरे को काफ़ी टाइम से आई शेडो चाहिए. ऑल्दो आई डोंट यूज आई शेडोज दैट मच, बट मन था मेरा कि मैं कुछ न्यू पैलेट, आई शेडो पैलेट अपने कलेक्शन में कुछ न्यू पैलेट ऐड करूँ. ओके, एंड तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने मंगाई है वो नायका मैट लक्स लिपस्टिक. सो जो भी प्राइस है जिस भी प्रोडक्ट का, मैं ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू यू नो मेंशन द प्राइस एज वेल अभी, बिकॉज मुझे इतना याद भी नहीं है. तो आई जस्ट मेंशन इट इन द वीडियो, अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ मैंशन कर दूंगी. एंड बाई द वे, आप लोग जब वीडियो देख ही रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज 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 डू दैट. काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज बनाने में एंड इनको फिर एडिट करके पोस्ट करने में. सो प्लीज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन एज वेल, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. सो ठीक है, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो. ओके, सो दिस इज द शेड, आई ऑर्डर इट इन द शेड ट्रफल. एंड आप देख सकते हो ये एक ब्राउन न्यूड शेड है. लेट मी swatch it for you guys. So this is how the shade looks like. बहुत ही chic सी packaging है इसकी and it has a magnetic packaging. 100 की range का है. So मेरे को एक earthy brown nude tone चाहिए था. So I'm searching for that perfect brown shade. Like 90s के time का जो brown lipsticks जो चलते थे उस time पे, जो popular थे काफ़ी. The same fashion is back now and वो brown lipsticks फिर से काफ़ी trend हो रहे हैं and फिर से fashion में है. So I just wanted you know I'm trying to collect as much brown lipsticks as I can. Okay, so the next thing that I want to show is again there's one more lipstick that I've ordered. ये है Nykaa Athleisure. Again this is from the same range matte luxe. So ये इनका new launch है. ये थोड़ा पिंकी टोन में है
आई एम नॉट श्योर ये कलर दिख रहा है या नहीं, बट ये पिंकी टोन में है। ये क्रीमी मैट्स हैं तो इट्स नॉट सुपर मैट मैट मैट, बट द टेक्सचर इज गुड। इट इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ, इट डज ट्रांसफर। मैं उससे बता दूँ बिकॉज मैंने यूज़ किया है, तो आई थॉट मैं थोड़ा थोड़ा रिव्यू भी देती जाती हूँ जिन प्रोडक्ट्स को मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। एक मैंने आईब्रो फिलर मंगाया है, आई मीन नया नया मुझे बुखार चढ़ा है आईब्रो फिलर्स यूज़ करने का। लाइक ऑल दो मैं यूज़ करती नहीं हूँ इतना जनरली ये सारे प्रोडक्ट्स, बट देन आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई माई हैंड्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स एज वेल। ये नायका का आईब्रो फिलर, ये मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला है। दोज नायका मैट लिपस्टिक्स वो डिस्काउंट पे नहीं थे बिकॉज वो न्यू लॉन्च था तो फ्रेश स्टॉक था। ये दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक। चेक अ ब्राउ, इट कम्स विद अ ब्रश, काइंड ऑफ नॉट ब्रश बट देन कुछ ब्रश जैसा है। एज आई एम नॉट यूज्ड इट तो मुझे आइडिया नहीं है हाउ इट्स गोइंग टू परफॉर्म। सो नाउ आई हैव गॉट टू ब्रशेस क्योंकि मुझे नया नया बुखार चढ़ा है। ताकि मैं आई मेकअप सीखूँ एंड ट्राई करूँ, लाइक लिटिल बिट ऑफ आई मेकअप आई नो, बट आई एम नॉट अ प्रो, और वाई नॉट ट्राई माई हैंड्स ऑन आई मेकअप। सो आई हैव ऑर्डर्ड दीज आई शेडो ब्रशेज एंड आई शेडो पैलेट्स। लाइक एक और पैलेट है, मैं भी शो करूँगी। ये आई शेडो ब्रशेज वेट एंड वाइल्ड के हैं। आई एम ट्राइंग टू शो एवरीथिंग जल्दी जल्दी से बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाए ना, आप लोगों को लगे कि आप लोग बोर हो जाओ, इसलिए मैं जल्दी 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 दिखा रही हूँ आप सबको। दिस इज एंस ब्राइटनिंग कॉन्सेंट्रेट एंटी एजिंग सीरम। ये मेरा लिटरली थर्ड बॉटल है। आई एम इन लव विद दिस सीरम। ये ऑर्गेनिक है, नो केमिकल्स यूज एंड होम मेड है। ये एंस क्लॉजेट के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ये लाइक होम मेड है एंड दीज आर ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। एंड आई एम इन लव विद द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस सीरम। आप लगाओगे तो यू कैन फील दैट ऑल दैट जड़ी बूटी वाली खुशबू जो होती है, जस्ट फील दैट अरोमा, एंड मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं किसी स्पा में चली गई हूँ। एंड फ्रेंड्स मुझे ये इतनी पसंद है इसकी फ्रेग्रेंस, लाइक मैं इसको शायद बार बार परचेज इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से ही कर लेती हूँ बिकॉज आई एम टोटली इन लव विद द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस सीरम। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज नायका लैशेज। सो आई हैव गॉट द नायका लैशेज एंड दिस इज OTT ड्रामा वॉल्यूम प्लस लेंथ प्लस इंटेंस लैशेज। ये सारे शायद 200 की रेंज में आते हैं जितने भी इनके लैशेज हैं नायका के, एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड चूज द काइंड ऑफ यू कैन चूज द लैशेज दैट यू वांट टू गो फॉर। तो आई हैव गॉन फॉर दिस OTT ड्रामा। मैंने अभी ट्राई नहीं किया बिकॉज मुझे लैशेज लगाने नहीं आते हैं, सो आई थॉट कि वाई नॉट इसको ही इसके साथ ही मैं एक्सपेरिमेंट करूँ और लैशेज लगाने सीखूँ। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया इसको, आई डेफिनेटली गो हेड एंड ट्राई। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन, ऑलराइट सो दिस इज अगेन वन मोर पैलेट दैट आई हैव ऑर्डर्ड, आई शेडो पैलेट। ये रेवोल्यूशन प्रो का न्यू न्यूट्रल लक्स शेडो पैलेट है। आई डोंट नो मुझे क्या बुखार चढ़ा आई शेडोज को, माई गुडनेस। ऑल दो मैं आई शेडोज लगाती भी नहीं हूँ इतना, बट देन मैंने सोचा कि नो आई विल बी लर्निंग आई मेकअप एंड ऑल दैट। तो आप देख सकते हो दिस इज हाउ द एंटायर पैकेजिंग लुक्स लाइक। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लासी गोल्ड, पूरा ये गोल्डनिश सा आई शेडो पैलेट है। इतना क्लासी एंड एक्सपेंसिव वाला लुक है इसका। इट इज एन एक्सपेंसिव वन, दिस इज फ्रॉम देयर लक्स रेंज। सो लेट मी जस्ट शो दिस पैलेट। ओके देख सकते हो कितने ऑसम न्यूड कलर्स हैं। दिस इज मतलब मुझे जो फील हुआ दिस इज अ डूप फॉर हुडा ब्यूटी न्यूड पैलेट। और ये आई शेडो पैलेट आई गेस 1700-1800 की रेंज का है एंड हुडा ब्यूटी पैलेट इज लाइक हुडा ब्यूटी का यही न्यूड आई शेडो पैलेट इज लाइक अराउंड 4500 or 5000 का। एंड ये लाइक बहुत ही उसके हिसाब से कंपैरिजन अगर करूँ तो मैं ये कम रेंज का है एंड बट शेड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च करके लाइक मेरे को वो न्यूड पैलेट पसंद था बहुत, तो मैंने बहुत रिसर्च करके ये वाला, क्योंकि मेरे को हुडा ब्यूटी में अपने पैसे नहीं स्पेंड करने थे, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मैंने ये डूप पैलेट परचेज किया है। एंड लेकिन आई होप सो यू कैन सी द कलर्स, लेट मी जस्ट वॉच सम ऑफ द कलर्स। देख सकते हो आप एवरी डे टू डे यूज़ वाला पैलेट है
लाइक इतने लाइट शेड्स हैं, न्यूड पैलेट है, तो ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं, बीट इन द डे और द नाइट, आप कभी भी लगाओ, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, और कभी शॉपिंग करने गए, कभी मॉल में घूमने गए, या कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने गए और ब्रंच पे गए, तो कभी भी इसको वेयर कर सकते हैं. इट्स दैट काइंड ऑफ पैलेट. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग अप इज, देख सकते हो, होप सो, बायोटिक का सनस्क्रीन. दिस इज बायो सैंडलवुड, 50+ SPF है इसमें, एंड इट्स एन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन, एंड दिस इज लिटरली 3rd or 4th बॉटल. आई एम टोटली इन लव विद दिस सनस्क्रीन. मैं पहले सनस्क्रीन यूज नहीं करती थी बिकॉज SPF से मुझे इचिंग होने लगती थी फेस पे, एंड मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाती थी अपने स्किन पे सनस्क्रीन है. इट्स एन आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट हैं इसमें, एंड दिस सूट्स माई स्किन सो वेल. लाइक येस, आई डोंट स्टेप आउट फ्रॉम माई हाउस विदाउट यूजिंग दिस सनस्क्रीन फ्रॉम बायोटेक. इट हैज बिकम माई फर्स्ट लव व्हेन इट कम्स टू सनस्क्रीन. This is the only sunscreen that I use. Okay, and ये बहुत ही economical price में है. It's like 400 के अंदर ही अंदर. One more Nykaa Luxe matte that I've ordered. Actually, I ordered 4, but अभी मुझे 3 ही दिख रहे हैं. तो मैं उस भी दिखा दूँ. This is in the shade Artisanal Coffee. This one, coffee shade. In love with the brown nude shades. I mean. I'm just searching for that perfect brown shade. मैंने लक्स रेंज में भी काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है नायका से, बट दैट आई विल बी शोइंग इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल बी मेकिंग अ पार्ट टू नायका हॉल वीडियो. सो फॉर नाउ एक और चीज़ रह गई है जो कि मैं सुपर एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए, एंड इज ता-दा. ओके, दिस इज द जिलेट वीनस रेजर सेट, जो दिखाने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड थी. इट्स अ ट्रैवल पैक, एंड आप देख सकते हो ये कितना क्यूट सा पैकेजिंग है इसका, एंड इसके अंदर ये ऐसा छोटू सा एक रेजर सेट है जिसके साथ 3 ब्लेड्स भी फ्री हैं. तो लेट मी जस्ट शो इट टू ऑल ऑफ यू. ओके, आप देख सकते हो कितना छोटू सा क्यूट सा इसका पैकेजिंग है. ट्रैवल फ्रेंडली सेट बनाया है सो दैट यू कैन कैरी दिस along with yourself in your purse or अपने bag में carry कर सकते हो आप while traveling. छोटा सा handy सा razor है, इसमें blade अभी attached नहीं है, but blades का set दिया हुआ है. So let me just show the set as well. ये पूरी packaging है, I haven't used it yet, तो आप देख सकते हो इसमें ये तीनों blades इस तरीके से लगे हुए हैं. तो अभी मैंने ये unpack नहीं किया है, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अनपैक किया है. सो होपफुली व्हेन आई विल बी यूजिंग इट आई विल बी एबल टू शेयर द रिव्यू एज वेल, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा इसका मैंने फीडबैक देखा था और पढ़ा था, तो और मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी था जो ट्रैवल फ्रेंडली हो एंड स्किन फ्रेंडली भी हो, स्किन को हार्म ना करे मेरे, बिकॉज इस लॉकडाउन में तो ऑफकोर्स एंड पार्लर्स की जो कंडीशन है आप पार्लर्स में नहीं जा सकते. सो दिस वॉज अ मच मच नीडेड थिंग, एंड या इट्स अ सेवियर, सो आई विल बी एबल टू शेव माई हैंड्स एंड लेग्स and be ready for any which given occasion. जाने के लिए कहीं भी नहीं है, बट खुद के लिए ही आपको रेडी होना, एंड इफ यू वॉन्ट फील क्लीन एंड मेंटेन द हाइजीन, तो या यू शुड गो फॉर इट गर्ल्स. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शो इज सिंपली मैजिकल. आई एम लकी कि मैंने ये एक्सप्लोर किया. इज द कलर बार ऑन द गो नेल लैकर रिमूवर ट्रैवल वाइप्स. ओके, सो एंड इट सेज दैट अ सिंगल वाइप क्लीन्स अप टू 10 nails and it's acetone free and it has got 30 wipes in it. So this is how it looks like, and इसमें बहुत सारे color options थे and I opted for this lavender वाला color. आप देख सकते हो इसका packaging, and this is super amazing. तो ये बहुत ही compact और travel friendly pack है color bar का, like it's a nail remover. And I am absolutely in love with this because मेरे को बहुत इरिटेशन होती है नेल पेंट लगाओ उसको रिमूव करो कॉटन ढूंढो फिर यू नो, सो वी ऑल नो द ड्रिल, एंड दिस इज एब्सोल्यूट लव. मैंने सोचा मैं वीडियो बनाने के पहले एक बार ट्राई करके देखती हूँ इसको. सो इट क्लेम्स दैट अ सिंगल वाइप क्लीन्स अप टू 10 नेल्स. आई वुड से इट कैन क्लीन अप टू 20 नेल्स. इतना ऑसम लगा मुझे. इट्स अ वेरी थिन वाला वाइप, आप देख सकते हो इसमें 30
ये दिख रहा है एंड इसमें 30 वाइब्स एंड इट स्मेल्स अमेजिंग, लाइक लिटरली अमेजिंग. मतलब आई टोटली फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड मेरे लिए बहुत इजी हो गया, लाइक ट्रैवल करते टाइम अपने बैग में इसको कैरी कर लेना, व्हेन एवर रिक्वायर्ड मैं अपना नेल पेंट इजिली रिमूव कर सकती हूँ इससे, मुझे वो थिनर कैरी नहीं करना पड़ेगा, साथ में कॉटन कैरी नहीं करना पड़ेगा. सो या दिस थिंग हैज कम टू माय रेस्क्यू फॉर श्योर. आपको लगे कि इसमें 30 वाइप्स है भी या नहीं, बिकॉज ये एक साथ स्टिक हो रखे हैं, तो मैंने एक वाइप निकाला तो लाइक बहुत मोटी सी लेयर बनी हुई थी, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सिर्फ एक वाइप निकाले एट अ टाइम, जो बहुत ही पतली थिन लेयर है एंड इसमें बहुत अच्छे से जो भी प्रोडक्ट इनका है वो लगा हुआ है. इट कैन ईजली वाइप एंड क्लीन 20 नेल, हाथों और पैरों दोनों के नेल पेंट को रिमूव किया एक सिंगल वाइप से. सो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड इट्स गोना बी माय गो टू प्रोडक्ट फॉर श्योर. अपने साथ में इसको हमेशा बैग में कैरी करने वाली हूँ ताकि मुझे जब भी नेल पेंट चेंज करना हो आई कैन जस्ट फटाफट से टेक आउट वन वाइप एंड जस्ट रिमूव माय नेल पेंट एंड एक नया वाला फिर से मैं लगा लूँ फटाफट. सो इट्स एन ऑन द गो थिंग एंड मस्ट रिकमेंडेड. I'll definitely be coming up with the second Nykaa haul video because मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं दिखाए हैं. जो लक्स रेंज मैंने ऑर्डर किया था, Nykaa लक्स रेंज के जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे मैंने नहीं दिखाए, बिकॉज मैं ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती. सो आई विल बी मेकिंग सेकेंड वीडियो ताकि आप बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सेकेंड वीडियो में दिखा सकूँ. टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट, बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. आई नो आई एम नॉट दैट फ्रीक्वेंट इन मेकिंग वीडियोज एंड पोस्टिंग, बिकॉज ऑफिस के साथ साथ ये मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट देन डेफिनेटली दिस इज माई साइड हसल, सो आई एम यू नो ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट वीक में वन और टू वीडियोज लेके आऊँ एंड शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ. सो प्लीज शेयर सम लव, आई एम अ न्यू क्रिएटर एंड आई डेफिनेटली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो. सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर योर कॉमेंट्स और क्वेश्चंस और फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. शेयर सम लव, टेक केयर, बाय बाय.